तो फिर सुना यतीम इलाका चार लीडर बोल रहा, लेकिन यतीम इलाका कोई सुनवाई नहीं है यार लीडर। अरे कितने सालों से आप लोग ये समस्या झेल रहे हैं बस्ती में? बहुत सालों से झेल रहे हैं। तो यहाँ पे तो कई सारे बड़े बड़े नेता हैं आपके, प्रभात कर्मात आठ में आपके नगर सेवक भी होंगे, उन लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कोई नहीं आता यहाँ, कोई देखता भी नहीं है। नहीं कभी कंप्लेंट वगैरह की गई है आप लोगों? बहुत से कंप्लेंट है, आते वो लोग भी राड वाड मारते चले जाते हैं। तकलीफ है ये साफ रहने को ना, रमजान महीना आ रहा है, कोई गंदगी है, हाँ ये सब क्या है? जब से देखो दुकानदारी है तो ये है, बच्चे लड़के सभी है ना यहाँ, हाँ नमाज रोजे आले की बस वो बेच रहा कंप्लेंट भी कर रहे तो कोई पलट के नहीं देखता, कोई पलट के नहीं देखता। यहाँ गंदा पानी भी आ रहा, नल में भी गंदा पानी आ रहा, जब गटर गंदी है तो नल में भी आ रहा ना। घर से वक्त कभी आप लोगों की समस्या कभी नहीं चारों भी अटक के नहीं आए, कोई मेंबर नहीं आता, कोई मेंबर नहीं। नल का पानी सबसे ज्यादा गंदा है, हमारे नल का पानी सबसे ज्यादा गंदा है, ये तो कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। आके नगर सेवक जब के चुनचे चुन करके वे आए है, ये प्रभाग पर राउंड नहीं लगाते ना, वो सिर्फ वोट लेना रहा तो वोट के लिए घूमते है सिर्फ बस। अब ये रोज भरी है, रमजान महीना चालू हो रहा है, यहाँ से ये गटर भरी है महिले की, हाँ और यहाँ स्वीपर लोगों को पैसे देना पड़ता है, 100-150 रुपए भाई लोग यहाँ के देते हैं, ये पूछो इनसे सब खड़े हैं पैसे देते कि नहीं है। हाँ सिर्फ नगर सेवा लोग आते हैं अपने वोट मांगने के लिए और चले जाते हैं। हाँ अब ये पूरी गटर भरी है, ये रमजान महीना लग रहा है यहाँ से, हाँ रोड भी बहने का काम है। हाँ अब यहाँ के जो स्वीपरों से काम कराते हो, खड़े रह करके काम कराना चाहिए ना, यहाँ पर नहीं कराते हो, बोलते जाओ ये इनके घर पे चले जाओ, उनके घर पे चले जाओ, बस ये गली में बैठे वो गली में बैठे, बस टाइम खराब। 2016 में पहली बार कंप्लेंट हुई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, फिर 18 में कंप्लेंट हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी कंप्लेंट कंटिन्यू चालू है, मैं डेली एक दो दिन के बाद ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे को जवाब यही मिलता है कि आप जाओ जब तक उधर का खाली नहीं होगा, चूड़ी गली साइड के पूरे गटर भरे, जब वो खाली होगा तो यहाँ का पानी खाली होगा, बस यही बोला जा रहा है। अभी कंटिन्यू में 4-5 दिन से डेली जा रहा हूँ ऑफिस में, यहाँ तक मेरे नाम की कंप्लेंट भी दली है। कुछ लोग बताते हैं कि भाई जब अधिकारियों को कॉल करो तो वो कहते हैं भाई हमारे पास जो कर्मचारी है वो आज छुट्टी पे है। हाँ ज़्यादातर यही हो रहा है, जब भी मैंने 2 बार फ़ोन लगाया तो दोनों बार यही बोला गया कि अभी छुट्टी पे है, कोई है नहीं, स्टाफ कम है। तो 2016 में आपने पहली मर्तबा इस परेशानी का हल निकालने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत दर्ज कराई। तो आप बता रहे कि कई नागरिकों के इसमें सिग्नेचर भी है? सिग्नेचर भी है। उसके बाद में फिर आपकी कुछ सुनवाई नहीं हुई इस पे? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अगली मर्तबा फिर कब आपने इसके खिलाफ में कदम उठाया? उसके बाद 2018 में दिया था। 2018 में हजारों साक्षरी के साथ में। तो 2016 में आपने कंप्लेंट किया, 2018 में आपने कंप्लेंट किया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई। तो जब आप नगर सेवकों को कॉल लगाते हैं उनका क्या कहना है, और साथ साथ वो अधिकारी जिनके पास में आपने ज्ञापन दिया था? ये सिर्फ आश्वासन देते और कुछ नहीं देते। क्या बोलते आप इनको? बोलते हैं कि वार्ड में आके जरा सर्वे किया जाए जनता के साथ में, क्या परेशानी है। तो ये बोलते, ये सिर्फ इनका यही जवाब रहता है कि ये ऐसा विषय तो हर वार्ड में है, के पास में आप देख सकते हैं 2016 में पहली मर्तबा ज्ञापन दिया गया कि भाई यहाँ पे गटर की समस्या है, ये गटर की समस्याओं की वजह से पूरे घरों में पानी जम जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना यहाँ के बच्चे, औरतें, आदमी, बूढ़े सबको झेलना पड़ रहा है, हॉस्पिटलों का सामना करना पड़ रहा है। जो आप देख सकते हैं ये रास्ता मस्जिद से होता हुआ यहाँ से गुजरता है, तमाम नमाजी जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो कितने एहतियात के साथ में उन्हें गुजरना पड़ता है, आप समझ सकते हैं इस बात को।